हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 11 और पाठ का नाम है भाग्य से ज़्यादा। बच्चों, संलग्न चित्र में बच्चा सपने में क्या देख रहा है बताओ। क्या आपको भी सपने आते हैं जो आपको काफ़ी समय तक याद रहते हैं? और यदि हाँ तो बताओ, बताइएगा जरूर। पाठ प्रवेश। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि भाग्य से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता है। इसमें एक व्यक्ति के भाग्य में सोने की अशर्फियाँ नहीं लिखी थी, तो उसको सोने की अशर्फियाँ मिलने के बावजूद भी वो नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि वो उसके भाग्य में नहीं थी। आइए शुरू करते हैं। एक सेठ जी थे जिनके पास काफ़ी दौलत थी। उन्होंने उस धन से निर्धनों की सहायता की, अनाथ आश्रम एवं धर्मशाला आदि बनवाए। इस दानशीलता के कारण सेठ जी की नगर में काफ़ी ख्याति थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु जिस बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति शराबी, सट्टेबाज और जुआरी निकला, जिस कारण सारा धन समाप्त हो गया। बेटी की हालत देखकर सेठानी जी रोज़ सेठ जी से कहती, आप दुनिया की क्या करते हो, मदद करते हो, मगर अपनी परेशान बेटी की मदद क्यों नहीं करते हो। सेठ जी कहते, भाग्यवान, जब तक बेटी दामाद का भाग्य उदय नहीं होगा तब तक मैं उनकी कितनी भी मदद करूं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब उनका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे। परंतु माँ तो माँ होती है, बेटी परेशानी में हो तो माँ को चैन कैसे आएगा। इसी सोच विचार में सेठानी रहती थी कि किस तरह बेटी की आर्थिक मदद कर सकूं। एक दिन सेठ जी बाहर गए हुए थे, तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उनके मन में आया, क्यों ना मोतीचूर के लड्डुओं में अशर्फियां रख दी जाएं, जिससे बेटी की मदद भी हो जाएगी और दामाद को पता भी ना चलेगा। यह सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में अशर्फियां दबाकर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू रखे दिए। लड्डू जिनमें अशर्फियां थी वह क्या करा, वह दामाद को दे दिए। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, देखिए सुनिए। दामाद लड्डू लेकर घर से चला गया। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों ना ये मिठाई की दुकान पर बेच दिए जाएं। देखा, ये सोचकर उसने वह लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आए तो सोचा कि घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू ले चलूं, और उन्होंने दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया। देखा आपने, जो उनके दामाद को उसकी सास ने दिया था। सेठ जी लड्डू लेकर क्या किया, सेठ जी लड्डू लेकर घर आ गए। सेठानी जी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा, उसने लड्डू फोड़ कर देखे और अशर्फियों को देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में अशर्फियाँ छिपाने की बात सेठ जी से कह डाली। सेठ जी बोले, भाग्यवान, मैंने पहले भी समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा है। देखा, अशर्फियाँ ना तो दामाद के भाग्य में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में थी। इसीलिए कहते हैं, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आशा करते हैं आपको ये रोचक कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपने समझा, हमने क्या समझा, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। जब भाग्य उदय होता है, जब भाग्य होता है तभी सब कुछ मिल सकता है। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्द, दौलत, ख्याति,
निर्धन, सट्टेबाज, अनाथाश्रम, भाग्यवान, धर्मशाला, आर्थिक, दानशीलता, आदर सत्कार। और अब है शब्दार्थ। निर्धन का अर्थ है गरीब, ख्याति का अर्थ है प्रसिद्धि, भाग्य का अर्थ है किस्मत, फायदा यानी लाभ, चैन का अर्थ है आराम, आदर सत्कार यानी मान सम्मान, और अशर्फियाँ सोने के सिक्के। और अब हमसे क्या पूछा है, हमसे सबसे पहले पूछा गया है सेठ की बेटी का पति कैसा था। सेठ की बेटी का पति बिल्कुल कुछ काम नहीं करता था, वह शराबी भी था, जुआरी भी था और एक नंबर का सट्टेबाज था। सेठानी ने अपने दामाद को क्या दिया? सेठानी ने अपने दामाद को लड्डू दिए जिसके अंदर उसने अशर्फियाँ छुपा के रखी थी। तो उसने 5 किलो लड्डू अशर्फियों से भरे हुए वो दिए। पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? पाठ से हमें ये सीख मिलती कि जब तक भाग्योदय नहीं होता, जब तक आपका समय नहीं आता, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। सेठ जी के घर से बाहर जाने पर कौन आया? सेठ जी के घर से बाहर जाने पर सेठ जी का भाई, दामाद, बेटी और दामाद या सेठानी का भाई, उन कौन आया था? उनका दामाद आया था। सेठानी ने दामाद को क्या दिया? आमों की टोकरी, बर्फी, लड्डू या आभूषण? सेठानी ने दामाद को लड्डू दिए। लड्डुओं में क्या था? जहर, अशर्फियाँ, सांप का बच्चा या बादाम? लड्डुओं में थी अशर्फियाँ। और अब हम चल रहे हैं आगे। और अब हमसे पूछा है अशर्फियाँ किसको मिली? अशर्फियाँ बच्चों किसको मिली थी? दामाद को, सेठ की बेटी को, मिठाई वाले को या सेठानी को? अशर्फियाँ मिली किसको मिली थी अशर्फियाँ? दामाद को, मिठाई वाले को, सेठ की बेटी को या सेठानी को? अशर्फियाँ मिली थी दामाद को, लेकिन वो उसको नहीं ले पाया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उन्होंने उस धन से निर्धनों की सहायता की। के कारण सेठ जी की नगर में ख्याति फैल गई। किस चीज के कारण? अपनी दानशीलता। दानशीलता के कारण सेठ जी की नगर में ख्याति फैल गई थी। सास ने दामाद का क्या किया था? सास ने दामाद का टीका किया। दामाद ने लड्डुओं का पैकेट बेच किसको बेच दिया? मिठाई वाले को। दामाद ने लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया। उसने लड्डू फोड़कर देखे और क्या देख के अपना माथा पीट लिया? अशर्फियों को देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने जब देखी लड्डू आ गए और उसने फोड़ा, उसमें से अशर्फियाँ निकली, तो उसने फिर अपना माथा पीट लिया कि अरे मेरी बेटी के पास नहीं जा पाई। अब हमें क्या करना है? वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। सेठ के पास काफ़ी दौलत थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सेठ के पास काफ़ी दौलत थी। मैंने सही का निशान लगा दिया। सेठ निर्धनों की सहायता नहीं करते थे, बिल्कुल गलत है, सेठ निर्धनों की सहायता करते थे। सेठ का दामाद बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। जी हाँ, बिल्कुल गलत है, सेठ का दामाद बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं था, वह तो एक नंबर का शराबी और जुआरी था। तो ये बिल्कुल गलत है। सेठानी ने अशर्फियाँ मिठाई वाले को दी? जी नहीं, सेठानी ने तो अशर्फियाँ अपने दामाद को दी थी, तो यह भी गलत है। सेठानी ने 5 किलो लड्डू दामाद को दिए? जी हाँ, सेठानी ने 5 किलो लड्डू दामाद को दिए थे। और अब हम चल रहे हैं आगे। आगे हमसे पूछा गया है बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सेठानी द्वारा बेटी की मदद करने पर सेठ जी क्या कहते थे? सेठ जी कहते थे, अरे भाग्यवान, जब तक उनका भाग्य उदय नहीं होगा, तब तक उनको कितनी भी मदद करी जाए, उनको नहीं मदद मिलेगी। जब उनका भाग्य उदय होगा तो उनको मदद करने वाले भी आ जाएंगे उनके। उसके बाद है, सेठानी किस सोच विचार में रहती थी? सेठानी हमेशा सोचती रहती थी कि मैं अपनी बेटी की किस तरह आर्थिक मदद कर सकूं। सेठानी ने बेटी दामाद की मदद करने के लिए क्या किया? सेठानी ने अपने बेटी दामाद की मदद करने के लिए, अपनी बेटी और दामाद की मदद करने के लिए 5 किलो लड्डू
बनाए जिसके अंदर उसने अशर्फियाँ छुपा के रख दी और उसने सोचा इस तरह मैं अपनी बेटी की मदद कर सकती हूँ। अंत में अशर्फियाँ किसके पास पहुँची और कैसे? अंत में अशर्फियाँ वापस सेठानी के पास ही पहुँच गई क्योंकि उन्होंने अपने दामाद को दी और दामाद ने वो मिठाई वाले को बेच दी और मिठाई वाले से फिर से सेठ जी ने खरीद ली और वो मिठाइयाँ दोबारा वो लड्डू फिर से किसके पास आ गए? वो लड्डू सेठानी के पास आ गए जिसके अंदर अशर्फियाँ थी। तो अंत में अशर्फियाँ फिर से सेठानी के पास ही आ गई। सेठानी ने सारी घटना किसे कह सुनाई? सेठानी ने सारी घटना सेठ जी को कह सुनाई। और इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आभार।